द लंदन लॉलीपॉप स्वागत करता है दोस्तों आप सभी का, जिसका हम सभी को इंतजार था। आखिर वह बात हो ही गई है। सिंघम अगेन में अब चुलबुल पांडे की एंट्री कंफर्म है, और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने खुद बताई है। रोहित शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा भी है, सिंघम इस हीरो के बिना अधूरी है। इस दिवाली स्कॉर्पियो आएगी भी और घूमेगी भी, लेकिन इस स्कॉर्पियो में एंट्री किसी और की होगी। सीधा सीधा रोहित शेट्टी का इशारा था चुलबुल पांडे मतलब सलमान खान की तरफ। अभी दो तीन दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि शायद सलमान खान का कैमियो सिंघम अगेन में कैंसिल हो सकता है, और इसकी वजह बताई जा रही थी लॉरेंस बिश्नोई। एक्चुअली में लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए हो सकता था कि शायद सलमान खान अपना जो कमिटमेंट था इस मूवी के लिए, इसमें जो छोटा सा रोल निभाने के लिए, वो पूरा ना कर पाए। लेकिन सलमान तो सलमान है, वो अपना कमिटमेंट पूरा जरूर करते हैं। एक दिन का शूट होना था और शायद अब यह शूट कन्फर्म हो चुका है। फिलहाल अभी यह खबर ही आई है कि सलमान खान रोहित शेट्टी से मिले हैं, और इसके बाद से जो फैंस हैं वो अभी से कहने लगे हैं कि सलमान का कैमियो सिंघम अगेन में फिक्स हो गया है। रोहित शेट्टी के अलावा अक्षय कुमार ने भी दोस्तों एक इमेज शेयर की है जिसे अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए जरा इस इमेज को। इस इमेज में आपको अक्षय कुमार मिरर इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रोहित शेट्टी हैं, इसमें अजय देवगन, अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ एक ही टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। चर्चा चल रही है सलमान खान के कैमियो की। अक्षय कुमार ने जब इस इमेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। अधिकतर लोगों का कहना था सर इस बात को छुपा कर ही रखना था, कम से कम यह बात तो नहीं बतानी थी, कुछ तो थिएटर के लिए छुपा कर रखते। फिलहाल अब यह कंफर्म हो गया है कि सलमान खान का कैमियो सिंघम अगेन में होने वाला है। चुलबुल पांडे की एंट्री अब सिंघम अगेन में तय है। बाजीराव और चुलबुल पांडे अब एक दूसरे के साथ होंगे, तो फिर अर्जुन कपूर का क्या होगा ये तो 1 नवंबर को पता चल ही जाएगा। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बॉलीवुड की ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए।